एकत्रित हुए हैं। जैसा कि जानकारी दी गई कि आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इसके बारे में आप यदि नेट पे सर्च करते हैं, पब्लिक डोमेन में जाते हैं, तो आपको जानकारी मिलेगी कि ये जो डे है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है, और इसके पूर्व जो लेटर आया था वो 21 फरवरी का ही आया था। उसके बाद में ये 22 फरवरी कैसे हुआ ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो डे है वो 21 डे है, 21 फरवरी है इसका। और बेडिंग पावल जी का तो जन्म आज ही है, 22 फरवरी, ये बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये 21 फरवरी है। देखिए बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने इस दिवस के अवसर पर और इसकी उपयोगिता के बारे में अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। आप देखिए कि हम जो है बॉडी वाइज, या इसको ले लेते हैं कि हार्डवेयर वाइज हम लोग एक जैसे ही हैं। हमारे दो कान हैं, दो पैर है, एक सिर है, सर है, और हमें जो अलग करता है बॉडी वाइज तो सॉफ्टवेयर वाइज तो हम एक जैसे हैं। हमारे शरीर में ब्लड है, एक मिनट में पता है कि 2 लीटर ब्लड पंपिंग होती है एक लीटर में, एक मिनट में। तो जैसे मेरे शरीर में एक मिनट में 2 लीटर ब्लड पंप होता है, वैसे ही आप लोगों के भी शरीर में उतना ही होगा। यदि कोई डॉक्टर होगा तो उसके भी शरीर में उतना ही ब्लड पंप होगा, प्रधानमंत्री होगा तो उतना ही ब्लड पंप होगा, यूएसए का राष्ट्रपति होगा तो भी उतना ही ब्लड पंप होगा। ऐसा कोई है कि जिसके शरीर में 4 लीटर ब्लड पंप हो रहा होगा? ऐसा नहीं है, राइट ना? तो बॉडी वाइज या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाइज हम एक जैसे ही है। हमें अलग क्या करता है, ये हमें अलग करता है हमारा सॉफ्टवेयर, हमें अलग करता है हमारी सोच। सॉफ्टवेयर मीन्स हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा ज्ञान। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सर्वप्रथम ज्ञान हमें प्राप्त होता है अपने घर से, अपनी माँ से। और ज्ञान हमें जो है जिस भाषा में सर्वप्रथम प्राप्त होता है वो हमारी मातृभाषा, जो हमें हमारे माँ से प्राप्त होती है, हमें हमारे घर से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमें अलग करता है हमारा सॉफ्टवेयर, यानी हमारी समझ, हमारे अच्छे विचार। जैसे सर ने कहा कि हम पूरे विश्व में कम से कम कितनी भाषाएं बोली जाती है? 6500 भाषाएं पूरे विश्व में, 6500। सर ने यह भी कहा कि इसमें 3000 भाषाएं जो है वो विलुप्त हो गई है। अब विलुप्त होने का कारण भी बताया सर ने। तो ये जो भाषा है हमें कैसे मदद करती है? ये हमें भाषा जो है अपने विचारों के आदान प्रदान करने में मदद करती है। संचार के माध्यम में ये बहुत बड़ी उपयोगी है। ये भाषा हमें अपनी पहचान बताती है। जैसे यहीं पे इस 9 में 3 भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी। जैसे गुजराती टीचर है, हिंदी सर है, तो इंग्लिश वाले भी सर है। तो ऐसे बहुत सारी, जैसे 6000 भाषाएं है, उसमें से सर ने कहा कि 3000 भाषाएं विलुप्त हो रही है। ये जो भाषाएं है ये हमें राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक है।
सामाजिक एकीकरण को बहुत मजबूत करने के लिए आवश्यक है, लेकिन विलुप्त हो रही है। कारण कुछ ऐसे भी कारण है विलुप्तता के, जैसे ये प्रोग्राम हुआ आज सर्वधर्म सभा, जिसमें सभी का होना बहुत आवश्यक था, लेकिन उसमें भी आप देख रहे होंगे कुछ विलुप्तता नजर आ रही है आपको। आप देखिए कि यहाँ पे सर्वधर्म सभा है, उसके बावजूद भी हमारे बीच में कुछ विलुप्तता नजर आ रही है। तो कहने का मतलब भाषा में विलुप्तता नहीं नजर आ रही है, विलुप्तता या फिर डिसअपीयर जिसको कहते हैं, वो हमारे व्यवहार में भी नजर आ रही है। जब तक हम इन सब चीजों का ध्यान न रखें, तब तक हम किसी भी प्रकार के इंटीग्रेशन की या एकीकरण की बात हम नहीं कर सकते। तो एकीकरण के लिए जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर के किसी कार्य को यदि बहुत अच्छी तरीके से निभाना है या अंजाम देना है, तो उसमें हमें सबको एक होकर के रहना पड़ेगा, तभी इस अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज जो डे है इसका कुछ अर्थ सार्थक होगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एजुकेशनल सिस्टम है, तो एजुकेशनल सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ खाली हिंदी का जानना या इंग्लिश का जानना या फिर गुजराती का जानना, कई सारे बहुत बड़े विविधों को आपने देखा होगा, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको 10-10 भाषाओं का, 12-12 भाषाओं का ज्ञान था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देख लीजिए, कितनी कम से कम 10 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था उनको। इंदिरा गांधी देख लीजिए, उनको 5 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान था, 14 भाषाओं का ज्ञान था। तो ये सब चीजें हमें बहुत मजबूत बनाती है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। तो इसलिए ये जरूरी है कि ऐसे कार्यक्रम में रह करके हमें अपनी उपस्थिति देना बहुत ही अनिवार्य होना चाहिए, ताकि हम सभी प्रकार के एकीकरण की बात हम भी समझ सके और अपने बच्चों को भी समझा सके। जैसे सर ने कहा कि 3000 जो भाषाएं हैं वो हमारे बीच से गायब हो रही है, ये बात सही है। आप पब्लिक डोमेन में जाकर के देखिए, आप नेट पर जाकर के देखिए, वर्ल्ड में अभी भी 47% भाषा है जो है विलुप्त है, ये बिल्कुल करेक्ट जानकारी है। और इसका कारण यही है, विलुप्तता का कारण यही है कि हम जो है किसी भी प्रकार के एकीकरण की बात तो करते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते, यही एक बड़ा कारण हो सकता है। तो इस अवसर पर मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद देते हुए छाया मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, लाल सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस विद्यालय प्रांगण में के कण कण में जितने भी बैठे हमारे विद्वान साथीगण हैं और जितने बच्चे हैं, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ और प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद। ये हमारे विचारों के धनी प्रभारी प्राचार्य महोदय का उद्बोधन, हम जितनी प्रशंसा करें, जितनी उनकी तारीफ करें, उतनी कम है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए छाय बन प्लीज। हाँ, तो सभी लोग खड़े हो जाए, उत्तिष्ठ, जागृत, वरान में बुध है, तो कौन जरा सुनिएगा, कौन No laughing! Sir!
शुरू।